तो लाइक कर दो। जल्दी हाँ जल्दी जल्दी कर दो। बोलो थैंक यू। चालू हो गया। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। मैं अंकुश सक्स क्या बोल रहा हूँ मैं सॉरी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग है आप सभी को। तो आज हम नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या हम आपको ऐसा क्या करूँ आज मैं कि मैं आज आपको एंटरटेन कर पाऊँ। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फिर आ गई इटावा से स्पेशल मेरे से मिलने के लिए। इसका मन नहीं लगता है इटावा में, जब तक मेरे को मिल ना लेना इसका दिन अच्छा नहीं जाता है। हेलो गाइस, तो मम्मी मैं सो के उठ गया हूँ। मम्मी ने मेरे को चाय दे दी है और यिप्पी नूडल्स दे दिए हैं। तो आइए खाते हैं ये यिप्पी नूडल्स और चाय। मैं ब्रश करना भूल गया, पहले ब्रश करके आता हूँ। तो गाइस लॉकडाउन का टाइम बहुत बुरा चल रहा है, बुरा कट रहा है। तो मैं तो वैसे भी रात को सोता हूँ 3-4 बजे और दोपहर में 1-2 बजे उठता हूँ। अभी तक मैं नहाया भी नहीं हूँ। तो दिखाता हूँ घर में क्या कर रहे हैं मम्मी, क्या कर रहे हैं पापा। क्या कह रही हो? किसी से नहीं तो अभी ये देखो मम्मी खाना बनाते बनाते शादी की बातें कर रही हैं। सही बात है और क्या। अब यही कोरोना टाइम में 2 बज रहे मम्मी आज खाना बना रही है, क्योंकि अब कोरोना टाइम है घर में करना क्या है, सुबह नाश्ता हो ही जाता है, फिर अब खाना बना रही है मम्मी। और उसके बाद पापा की तहसील की छुट्टी है तो पापा अब घर में फ़ोन चला रहे हैं। अपने फ़ोन की बैटरी ख़त्म करने के बाद पापा मम्मी के फ़ोन की बैटरी ख़त्म कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं गाइस कोरोना वैकेशन। तो बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन ऐसा मज़ा हमें नहीं चाहिए, घर से बाहर निकलना है हमें। अच्छे अच्छे ब्लॉग बना रहे हैं, वही घर बार बार दिखा दिखा के आप भी कहेंगे लो अब ये इसके पास कुछ है ही नहीं बनाने के लिए। अब बाहर जाएंगे तो नई नई जगह जाएंगे, दिल्ली मुंबई आगरा ऐसा मिलेगा। और ये देखिए चश्मा कैसा लग रहा है आपको, इस चश्मे के लिए स्पेशल कमेंट करके बताएं। ये बहुत महंगा फ्रेम लिया था मैंने, ये फ्रेम 1200 रुपये का है, मज़बूत है, और जब इसके अंदर शीशा लगा होता तो 100 रुपये का बिकता है ये। तो गाइज अभी मैं इस लाइन में नया हूँ, डेली ब्लॉग बनानी है मेरे को, बट मेरे को पता नहीं है कि डेली ब्लॉग में क्या क्या बना सकते हैं। मैं 1-2 के ब्लॉग देखता हूँ, जैसे सौरभ जोशी है उसके ब्लॉग देखता हूँ, और मैं 1-2 फ्लाइंग जट है, फ्लाइंग बीस्ट सर उनके ब्लॉग देखता हूँ। और वो ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं तो आधी समझ में नहीं आती मेरे को, लेकिन हाँ वीडियो देखने में मज़ा आता है। तो वो कुछ ही बना देते, मैं कहता यार ये डेली बना लेते हैं क्या बात है। तो यार आप लोग भी सजेशन करो, सजेस्ट करो मेरे को कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ डेली डेली, नीचे कमेंट कर करके कि आज मेरे को क्या करना चाहिए, आज मेरे को क्या करना चाहिए। अगर आप सब कमेंट कर दोगे ना तो मेरे को डेली हर एक आदमी का नया आइडिया मिल जाएगा और मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा। तो नीचे कमेंट करो कि कल आपको कौन सा ब्लॉग देखना है, तो वही ब्लॉग आपको मिल जाएगा। अब 400 लोग करेंगे तो 400 एक साल मेरा निकल जाएगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट करो गाइस। मैं 3 स्ट्रिंग लेके आया हूँ, ये पीने से कोरोना भाग जाता है, क्योंकि अभी तक मेरे पास आया नहीं है इसलिए। ये देखिए 3 है, ये डेली मैं दिन में 3 पीता हूँ। और यहाँ मैं नीम के पेड़ के नीचे बैठ के इसका मज़ा लेता हूँ। वो तो शुक्र है हमारे घर के पीछे इतना बड़ा पिछवाड़ा है तो मैं अपना आराम से टहल लेता हूँ, तो मेरे को बाहर जाने की इतनी ज़्यादा चुल्ल नहीं मस्ती है, तो मज़ा आता था, टाइम कट जाता है। नहीं तो अगर एक कमरा जैसे नोएडा में रहते थे कमरे के अंदर ही दम घुट जाता था। आज घर में बने हैं करेले, दाल, खीरे का रायता, खीरा, खीरा का नहीं घिया का, घिया का रायता सॉरी, और स्ट्रिंग। टाइम कितना होगा, शाम के 5 बज रहे हैं और मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ और आंधी आने वाली है देखिए। तो चलो कपड़े उठा लेते हैं। तो बादल गड़गड़ गड़गड़ हो रहे हैं,
या तो बारिश हो जाए उसी में नहा लूं। नहीं होगी नहीं होगी, मना कर रहे हैं। तो चलो अब नहाते हैं, खुले में नहाने का अपना ही मजा है। खुले में नहाने का अपना ही मजा है, तो चलो आज नहाते हैं यहाँ पे खुले में। तो नहाने के तुरंत बाद बारिश हो गई है, पहले ही हो जाती तो बारिश में नहा लेता। और ऊपर टीन डाला है हूँ मैं ताकि पानी नीचे ना आए। देखिए पहली बारिश हो जाती है यार, बारिश में नहा लेता, पानी वेस्ट नहीं होता ना फिर। चलो कोई बात नहीं, बाल्टी भर देना जितना मैंने वेस्ट किया, ठीक है। अब फिर रुक जाएगी, वो थोड़ी सी बारिश थी, ज़्यादा नहीं थी। देखो कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, धूप भी आ रही है, बारिश भी आ रही है। और अभी आज फिर से इंद्रधनुष निकलेगा, क्योंकि धूप और बारिश जब साथ में होती है तो इंद्रधनुष निकलता है। ये देखिए गाइज, आज फिर से इंद्रधनुष का नज़ारा देखने को मिल रहा है। और ये तो मैं खुश नसीब हूँ कि एकदम मेरे घर के सामने है, और ऐसा सिर्फ गांव में ही देखने को मिलता है। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में ये छिप जाता है, क्या बताएं, वो उनको देखने को नसीब भी नहीं होता है शहर वालों को। और ये सिर्फ गांव में ही हो सकता है। कौन कौन गांव में रहता है और ऐसा नज़ारा देख रहा है, जल्दी से कमेंट करें। ये देखिए, और ये देखिए एकदम चांद की शेप में बना हुआ है, चांद की शेप में। वाह क्या बात है, मज़ा आ गया मेरे को तो। देखो सुबह से शाम तक घर पे रहता है, और शाम को आके मम्मी सो रही है उसे जगा रहा है। जगने के दिन है। और फिर जगाने के बाद ये फिर से बाहर चला जाएगा, इसका फायदा क्या हुआ? जगाने आते हो ना तुम? लाइट चला, लाइट। वीडियो बन गई बेटा, वायरल हो गए तुम। जगवे के दिन है, जगवे के दिन ये ऐसा ही करता है, सुबह आ जाता है मेरे को जगाने, उसके बाद चला जाता है। कौन है ये? ये मेरे चाचा जी का लड़का है, बड़ा परेशान करता है। अभी देखो अभी मम्मी सो रही थी, इन्हें जगा दिया, अब ये चला जाएगा। चौकीदार ये जगाने आता सिर्फ। धूप 5:30 बजे भी धूप हो रही है। तो गाइस चलो अब थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं रील्स के लिए। ये देखो मैं अपना स्टैंड दिखा देता हूँ, ये है मेरा स्टैंड, मैं यहाँ पे फ़ोन रख के वीडियो बनाता हूँ। और एक दूसरा स्टैंड ये है, इस कुर्सी पे बैठता हूँ, और ये पत्थर के पास मैं फ़ोन रखता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ रील्स बनाने, जिसको भी मेरी रील्स देखनी है तो जल्दी से मेरे को अंकुश सक्सेना 17, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जाके इंस्टाग्राम पे सर्च करें अंकुश सक्सेना 17। बाय, लव यू ऑल, जल्दी।